हेलो नमस्ते पाल मित्रों, पाठ 12 मुद्रा। मुद्रा में अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। चलिए, यहाँ आपको सिक्के दिखाई दे रहे हैं। यह सिक्का 1 का, 2 का और 5 का। और यहाँ देखिए, विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से निम्न राशियाँ बनाइए। ये सिक्के का उपयोग करके हमें यहाँ 6 रुपये के राशि कितनी राशि रखनी है। चलिए, 6 रुपये के लिए पहले हम 1 का सिक्का लेते हैं। 1 का सिक्का कितना लेंगे कि 6 रुपये के बराबर होगा। 1 सिक्का 2 सिक्का 1 का 1 सिक्का 3 सिक्का 4 सिक्का 1 का 5 सिक्का 1 का और यहाँ 6 सिक्का 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 6 रुपये के बराबर हुआ। अब चलिए दूसरे में, हमें 6 रुपये के बराबर और कौन सा सिक्का लेंगे कि 6 रुपये के बराबर होगा। चलिए, अब हम यहाँ 2 का सिक्का लेकर 6 रुपये के बराबर करेंगे। 2 का 1 सिक्का, 2 का 2 सिक्का 2, 2, 4, 2 का 3 सिक्का तो 3 6, तो ये कितने रुपए हुए, 6 रुपए के बराबर। 2 का 3 सिक्का 6 रुपए के बराबर हुए, इसका मूल्य 6 रुपए के बराबर। चलिए, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 6 रुपए। अब हम 1 का सिक्का और 5 का सिक्का लेंगे। 5 का सिक्का, चलिए यहाँ 5 रुपये, 5 का 1 सिक्का और रुपए का 1 सिक्का, तो 5 और 1 6 कितने हुए, 6 रुपए के बराबर। चलिए, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 रुपये, तो हम कौन सा सिक्का लेंगे कि 6 रुपए के बराबर होगा। यहाँ 3 सिक्के का उपयोग करके हमें यह 6 रुपए के बराबर करना है। चलिए, हम 2 का सिक्का लेते हैं। 2 का 1 सिक्का 2 रुपया, 2 का 2 सिक्का 4 रुपया। अब हम 1 का सिक्का लेते हैं। 1 का 1 सिक्का 5 रुपया और 1 का 1 सिक्का यह 6 रुपया, यह 6 रुपये के बराबर हुआ। अब चलिए आगे नीचे, अब हम 1 का सिक्का लेते हैं। पहले 1 का सिक्का 1, फिर 1 का सिक्का 2, फिर 1 का सिक्का 3, फिर 1 का सिक्का 4 और फिर उसके बाद 2 का सिक्का 1, तो किसके बराबर हुआ, 6 के बराबर। चलिए, यह चित्र में देखिए, चित्र में एक लड़का खरीदी कर रहा है, वहाँ सब्जी वालों को पैसा दे रहा है और फल और सब्जियाँ ले रहा है। यहाँ देखिए, टमाटर, मूली और ये क्या है, बैगन, यहाँ मूली, यहाँ लौकी और यहाँ आलू, यह सब्जी वाला है। तो वहाँ क्या देकर खरीद रहा है, नोट देकर मूली खरीद रहा है, यहाँ मूली खरीद रहा है। तो मूली का दाम कितना होगा, यह नोट है तो 10 रुपया वह मूली का दे रहा है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं, हम चर्चा करते हैं कि यह वस्तुएं कितने में खरीदी जाती है और हमें कौन कौन सी नोट देकर यहाँ चुकता करना पड़ेगा। चलिए, यह पैंट है, पैंट को लगभग कितने में खरीद सकते हो, पैंट को हम 500 रुपये में खरीदेंगे। कितने में, 500 रुपये में। 500 रुपये में हम 100 की कितनी नोट देंगे कि वह 500 रुपया हो जाएगा। हम 100 की 5 नोट देंगे, तो 100 की यदि 5 नोट देते हैं तो वह 500 रुपये के बराबर होगा। चलिए, हम यहाँ देखते हैं, बैट, बैट की कीमत दी गई है, कितने रुपए हैं, 20 रुपये। तो यह बैट 20 रुपये में है, तो 20 की नोट 1 देंगे तो यह 20 रुपया होगा, और यदि हम 10-10 की 2 नोट देंगे तो यहाँ 20 रुपये के बराबर होगा। चलिए, अभी हम यहाँ देखते हैं, यह नोट या किताब, यह
बीस या 25 या 30 की होगी, तो हम यहाँ 25 लिखते हैं। अब 25 रुपया हमें देना है दुकान वाले को, तो हम कितनी रुपए देंगे कि 25 रुपए हो गए। चलिए 20 की एक नोट और 5 रुपए का एक सिक्का, तो यहाँ 25 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 25 20 की एक नोट और 5 रुपए का एक सिक्का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ झाड़ू, घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू लिया जाता है, तो झाड़ू की कीमत हम लिखते हैं यहाँ 10 रुपया। सोचिए यह झाड़ू यदि 10 रुपये में है, तो हम 10 की नोट देकर झाड़ू ले सकते हैं। 10 की कितनी नोट देंगे कि 10 रुपया होगा? एक नोट। अगर हमारे पास 10 की नोट नहीं, हमें सिक्का देना है, तो हम 5 का कितना सिक्का देंगे कि यहाँ 10 रुपये के बराबर होगा? 2 सिक्का। यदि हम 2 सिक्का देंगे, तो यह 10 रुपये के बराबर होगा। ठीक। अब हम यह देखेंगे, यह कलर कितने का होगा? लगभग 10 रुपया। तो 10 रुपया यदि हम 2-2 के सिक्के देते हैं 10 रुपया, तो कितने सिक्के देंगे 2 के कि यह 10 रुपये के बराबर हो जाएगा? 5 सिक्के यदि हम 2 के देंगे, तो यह 10 रुपये के बराबर होगा। और 5 का 2 सिक्का देंगे, तो यह 10 रुपये के बराबर होगा। और 10 का नोट 1 देंगे, तो यह 10 रुपये के बराबर होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यह देखिए घड़ी, बच्चों को घड़ी बहुत पसंद आती है, तो यह बच्चों की घड़ी कितने में होगी? लगभग 200 रुपये में। अब 200 रुपया हमें देने के लिए हम कौन कौन सी नोट दे सकते हैं? हम अलग अलग नोट दे सकते हैं, तो हम 50 के नोट देते हैं। चलो 50 की यदि हम 200 रुपये देंगे, तो 50 की कितनी नोट देंगे कि 200 रुपये होगी? 4 नोट यदि हम 50 की देते हैं, तो 200 रुपये के बराबर होगी। और यदि हम 100 की नोट देते हैं, तो वह 2 नोट देंगे, तो वह 200 रुपये के बराबर होगी। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, यह पतंग, पतंग 5 रुपये की, कितने की? 5 रुपये की। यदि हम एक एक के सिक्के 5 देते हैं, तो वह 5 रुपये के बराबर होगा। और यदि हम 2 रुपया और 1 रुपया, फिर 2 रुपया देते हैं, मतलब 2 सिक्के 2 और 1 रुपये का एक सिक्का, तो वह 5 रुपये के बराबर होगा। और यदि हम 5 का सिक्का देते हैं या नोट देते हैं, तो वह 5 रुपये के बराबर होगा। ठीक। आप सोचिए, यदि आप दुकान पर सामान लेने जाते हो, तो आप दुकानदार को 1 चॉकलेट 1 रुपया है, तो आप 10 चॉकलेट लोगे, तो कितने रुपए दोगे? उसे नोट दोगे या रुपए दोगे? या बिस्किट लेते हो, तो आप सोचिए, आप उसे 5 रुपए की 1 बिस्किट लेते हैं, तो आप यदि 2 बिस्किट ले रहे हैं, तो आप कितने रुपए उसे दोगे दुकानदार को? यदि आपने उसे कोई अन्य वस्तु खरीदी, तो आप उससे कितने रुपए दोगे? नोट के रुपए दे रहे हो कि सिक्के दे रहे हो? आप सोचिए। धन्यवाद। हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है।